अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका firstbite.tv में। मेरठ वासियों के लिए बीता कल जरूर राहत भरा था। जो नए 19 नमूने भेजे गए थे वे सभी नेगेटिव पाए गए, लेकिन एक दिन की राहत के बाद आज झटका भी दे दिया। अमरावती से लौटे शख्स के ससुर की आज कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आज मौत हो गई। मेरठ में कोरोना से हुई यह पहली मौत है। बताया जा रहा है कि बीती रात ही दामाद व ससुर को वेंटिलेटर पर रखा गया था, आज ससुर की मौत हो गई। मौत काफी पहले हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि काफी देर से की गई। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1700 से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली मरकज के जमातियों में शामिल 93 लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 10 दम तोड़ चुके हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जमाती वहां कैसे जमा हुए और इस बात को क्यों छिपाया गया, इसे लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोरोना प्रभावित लोगों के बीच से निकले इन जमातियों को अब मानव बम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। पहले बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में अभी हाल में ही मेला नौचंदी लगने वाला था और इसके लिए क्रॉकरी लेने बुलंदशहर खुर्जा का यह शख्स महाराष्ट्र के अमरावती गया था। वहां से क्रॉकरी व कोरोना लेकर वह बुलंदशहर न जाकर सीधा मेरठ ससुराल पहुंचा। यहां उसके 3 परिवार हैं, वह तीनों में गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। टेस्ट हुए तो इसी परिवार के अधिकांश सदस्य कोरोना से प्रभावित पाए गए। इस पर सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। साथ ही जहां इनके घर हैं, मेरठ के 3 इलाकों को 5 दिन के लिए सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बीती रात उसकी व उसके ससुर दोनों की तबीयत खासी बिगड़ गई। 72 वर्षीय ससुर की आज सुबह मौत हो गई। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक। इनका जो है, जो ये पहले जो पेशेंट थे इकरामुल हसन, उनके ससुर हैं ये। इनका नाम है अब्दुल अहमद नाम इनका। ये 72 साल के थे और इन्होंने, ये जो है हमारे यहाँ 29 तारीख को ये पॉजिटिव आए थे और 29 तारीख से ठीक चल रहे थे। पहले ऑक्सीजन पे थे, ऑक्सीजन से सिचुएशन मेंटेन हो रहा था। कल रात में इनकी ऑक्सीजन गिरने लगी और ये जो है 75% ऑक्सीजन पे मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने 1 बजे रात में इनको वेंटिलेटर लगवाया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो एनेस्थीसिया के जो आईसीयू के जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने ये कहा कि सर इसकी कंडीशन थोड़ी सी और डिटोरेट हो रही है। हमने कहा भाई जो भी मैक्सिमम जो भी चीज़ें हो सकती है वो करिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे मेरोपेनम और जितनी भी चीज़ें होती, ये पेशेंट के साथ में कुछ रिस्क फैक्टर भी थे, जैसे इनके डायबिटिक भी थे, इनको क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ भी थी और इनको जो है तो ये एज तो है ही, एज फैक्टर तो है ही है कोरोना में, कि कोरोना में जो है जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा उनका रिस्क होता है। तो ये जो है रहे और हम लोगों ने करीब जो है 8-8:30 बजे से इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरेट होना शुरू हो गई और करीब 11 बजे के आसपास जो है इनकी जो है डेथ हो गई। डिक्लेरेशन इसी चीज़ सूचना देने में इतना देर 11 बजे ऐसा था कि चूँकि ये जो है वो कोरोना जो है हम लोगों के यहाँ पहली बार हुआ है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो भी लेना ज़रूरी है कि कहाँ पे कैसे, जैसे जो बता रहे हैं सबके लिए नया है, आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है। गाइडलाइंस आई हैं, गाइडलाइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोगों ने इसको इनको जो है वहाँ पे बॉडी जिस तरह से प्रोटोकॉल है कि 3 लेयर में बॉडी पैक होती है, उस तरह से बॉडी पैकिंग कराई गई और ये कहा गया कि भैया इसको जो है जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इनको किया जाए, तभी मीडिया को सूचना दी। अमरावती से क्या रिलेशन है? ये जो है अमरावती रिलेशन है कि जो ये इकरामुल हसन है, जो पहले जो नोडल हैं, जो मेन केस है, इंडेक्स केस है, वो केस जो है वो अमरावती से में रहते थे वो। उसके बाद वो अमरावती से वो रहने वाले खुर्जा के हैं, वहाँ से यहाँ पे इनकी ससुराल है, यहाँ पे कौन सी जगह है वो ससुराल हुमायूं नगर में शायद, वहाँ पे ससुराल है इनकी। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे रहे और इन्होंने किसी को बताया नहीं। उसके बाद इनके जो इनके शायद 3 जगह साले रहते थे, 3 इलाके में जो इलाके सील किए गए हैं वो तीनों जगह गए। उस चक्कर में इनके वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए। वो सीमो साहब को बताएंगे कितने ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए, बहुत डॉक्टर सीमो साहब को बहुत सर्वेलेंस करना पड़ा और
ये अनफॉर्चुनेट हमारी डेथ हुई, हमारे यहाँ डेथ हुई है, और हम लोग कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, हमारे सारे डॉक्टर पूरी तरह से लगे हुए हैं, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है जो भी प्रोटोकॉल बिल्कुल जो गवर्नमेंट के हैं या जो मेडिकल ICMR से आ रहे हैं, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट से आ रहे हैं, हम लोग सब एक एक उसको फॉलो कर रहे हैं। इस बीच निजामुद्दीन से तबलीगी जमात के मरकज का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। जमात से लौटे लोगों की तलाश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व दिल्ली से मुंबई तक अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में ऐसे लोगों की तलाश के दौरान गोमतीपुर इलाके में पुलिस पर पथराव की सूचना है। इस खबर में आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए और देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।